सो व्हाट्स अप गाइस, वेल दिस इज ध्रुव गोयल द अकॉस्टिक बनिया एंड यार आज का हमारा गिटार लेसन इज तेरा यार हूं मैं फ्रॉम द मूवी सोनू के टीटू की स्वीटी संग बाय अरिजीत सिंह। तो बहुत दिनों से यार इस गाने की रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी काफ़ी सारी, बिकॉज फ्रेंडशिप डे हमारा आने वाला है एंड काफ़ी लोग यार इसके लिए एक्साइटेड रहते हैं अपने दोस्तों को डेडिकेट करने के लिए, अपने दोस्तों के लिए व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह लगाने के लिए गाने के लिए। तो बस यार आज इसका इसका गिटार लेसन लेकर आ गया हूँ। कवर भी मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा इसका फ्रेंडशिप डे वाले दिन, जहाँ तक अभी तक प्लान तो है तो उसको भी ज़रूर देखना यार। अब फाइनली यार इसका दिखाता हूँ तुम्हें गिटार लेसन इस गाने का। तो बहुत ही अच्छा दोस्तों के लिए गाना है हमारे, तो इसमें थोड़ी सी कॉर्ड्स एंड स्ट्रमिंग तुम्हें स्टार्टिंग में बताऊँगा एंड इसका एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट गा के दिखाऊँगा, देन लाइन बाय लाइन ये गाना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तुम्हें बताने वाला हूँ पूरा का पूरा। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि तुम्हें ये गाना अच्छी तरह से लर्न हो जाए, तुम इस गाने को गिटार पर प्ले करने के लिए एकदम फिट हो जाओ। तो बस यार विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इन टू द वीडियो। तो यार गाने का एक्सट्रैक्ट तुम्हें अभी दिखाया, एक बहुत ही छोटा सा एक्सट्रैक्ट वाले इस गाने का। तो यार इसका जो है पूरा 1 मिनट कवर भी जो है, मतलब मैं अपने इंस्टा पे भी डालता हूँ तो इंस्टा हैंडल यहाँ पे नीचे आ रहा होगा तो वहाँ पर भी तुम देख सकते हो इसको प्ले होता हुआ। और वहाँ पर प्लीज़ यार मेरे को सपोर्ट ज़रूर करा करो, देखा करो वहाँ पर जाके, चेक करा करो इस कवर को, तुम्हें और भी सीखने को मिलेगा, थोड़ा सा गाने का देखने को मिलेगा तरीका इसका। तो बस यार अब इसकी दिखाता हूँ कॉर्ड्स एंड स्ट्रमिंग, तो उस पर नज़र डाल लेते हैं। ओके सो गाइस यार कमिंग टू दी कॉर्ड्स एंड स्ट्रमिंग पार्ट, ठीक है। तो यार हमारा जो सबसे पहले है इसमें केपो लग जाता है 3rd फ्रेट पे, तो उसके बाद यार हमारी कॉर्ड्स कुछ बनती हैं जी मेजर, ओके। सेकंड कॉर्ड विल बी सी मेजर, 3rd वन विल बी ई माइनर, 4th वन विल बी डी मेजर एंड 5th वन विल बी ए माइनर। तो इन 5 कॉर्ड्स के अलावा यार इस गाने के अंदर ना बीच में एक छोटा सा पार्ट आता है वहाँ पर ई मेजर एंड ए मेजर, ये 2 कॉर्ड्स यूज़ होती है बट बहुत छोटे टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं यूज़ होती, बहुत छोटे से पार्ट के लिए एक यूज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल पार्ट भी नहीं है वो इस गाने का, ठीक है। तो उस पार्ट में हमारी ये होती हैं ई मेजर ए मेजर। बाकी सारी कॉर्ड्स के यार साथ साथ तुम्हें डायग्राम यहाँ पे ऊपर दे ही चुका हूँ, ठीक है, तो वहाँ से तुम्हें हेल्प हो जाएगी। और अगर तुम्हें वहाँ से भी कॉर्ड्स ये समझ नहीं आ रही तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, तुम उसको जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे तुम्हें इन कॉर्ड्स का अच्छी तरह से डिटेल्ड एक वीडियो मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर देख लेना। बस बाकी यार अब इसकी दिखाता हूँ तुम्हें स्ट्रमिंग। तो स्ट्रमिंग हमारी कुछ चलती है डाउन डाउन अप 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 डाउन अप डाउन। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तो डाउन डाउन अप 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 डाउन अप डाउन, ठीक है। तो कैसे, तू जो छूटा तो कौन हंसेगा, ठीक है, ऐसी हमारी पूरी चलेगी। कैसे, डाउन डाउन अप 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 डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप 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 डाउन अप डाउन। हमारा जो है इस गाने की ओरिजिनल स्ट्रमिंग ही है, क्योंकि तुम अगर देखो ध्यान दो तो हमारा कैसा है, सत जन्म हकदार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। तो ये हमारा क्या रहा, जी सी हमने अभी वैसे प्ले करके दिखाई मैंने तुम्हें, तो यहाँ पर हमारा क्या रहा, डाउन डाउन अप 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 डाउन अप डाउन, तेरा यार हूँ मैं, हमारी स्ट्रमिंग क्या रही, हमारी स्ट्रमिंग रही डाउन डाउन अप 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 डाउन अप डाउन, ये हमारी स्ट्रमिंग रही। कॉर्ड्स में ऑलरेडी बता दी, अब यार इसके देखते हैं गाना का पार्ट, हमारा गाना कैसा है और फिर उस पर चलते हैं और आगे देखते हैं। सो गाइज नाउ कमिंग टू दी सॉन्ग पार्ट। तो यार हमारा गाने में सबसे पहले जो है जैसे मैंने तुम्हें बताया कि केपो हमारा 3rd फ्रेट पे ऑलरेडी लग चुका है, ठीक है। तो हमारी सबसे पहले शुरुआत होती है जी एंड सी कॉर्ड से। तो जी एंड सी का इस गाने के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, काफ़ी हद तक के पार्ट्स हमारे जी एंड सी जो है वो अपने अंडर लेती है। तो कैसे शुरू होगा हमारा, तू जो रूठा तो कौन हंसेगा,
जी सी, ठीक है, देन अगेन तू जो छूटा तो कौन रहेगा, जी सी अगेन तू चुप है तो ये डर लगता है, रिपीट अपना मुझको अब कौन कहेगा। तो यहाँ पे हमारी जो पहली चार लाइन्स थी इसके अंदर हमने कुछ नहीं करा, हमने जी एंड सी जी एंड सी जी एंड सी लाइन्स को हमने हाफ बांटा, कैसे तू जो रूठा तो कौन रहेगा, तो के बाद हमारी जो है कॉर्ड चेंज हो जाती है, फिर उसके बाद तू जो छूटा तो कौन हसेगा, तो वाले वर्ड के बाद हमारी कॉर्ड चेंज हो रही है जी सी जी सी जी एंड सी जी एंड सी, तो चारों लाइंस के लिए हमारी जी सी चली, देन इसके बाद तू ही वजह तेरे बिना, ई माइनर डी, देन बेवजह बेकार हूँ मैं, ए माइनर एंड सी पर हमारा स्ट्रेच पूरा आगे तक चलता रहेगा, यार हूँ मैं चक तेरा यार हूँ मैं तेरा यार हूँ मैं। तो यहाँ पे तेरा यार हूँ मैं वाली लाइन में हमारी लग रही है जी एंड सी, तो तेरा यार हूँ मैं चला जी सी जी सी जी सी, हमारा जो स्टार्टिंग का था वो हमारा सारा जी सी जी सी जी सी में कवर हुआ, देन इसके बाद ई माइनर डी ए माइनर सी का हमारा बीच में आया तू ही वजह वाला पार्ट। सो दैट्स ऑल फॉर द इंट्रो एंड कोरस पार्ट, देन इसके बाद इसकी दिखाता हूँ तुम्हें यार स्टैंजा पार्ट, स्टैंजा के अंदर भी हमारा कुछ नहीं, एक छोटा सा पैटर्न हमें याद करना है एंड देन इसके बाद हमारी वही एक ई माइनर डी ए माइनर सी चल जाएगा और फिर ये गाना खत्म हो जाएगा। तो देख लेते हैं यार इसका स्टैंजा पार्ट और उस पर नजर डालते हैं। सो गाइस नाउ कमिंग टू द स्टैंजा पार्ट, स्टैंजा के अंदर यार हमारा एक पैटर्न चल रहा है विच इज जी मेजर, सेकेंड कॉर्ड ई माइनर, थर्ड वन इज सी मेजर एंड फोर्थ वन इज डी मेजर। तो इसको हमने कैसे यूज करना है, झलड़े फिर खिलौनों के लिए ई माइनर, तू जी सी मैं हर डी, रिपीट झलड़े फिर कई शरारत जी माइनर, तू भासी मैं मार खाऊं, खाऊं पर हमारा आ जाएगा डी मैं मार खाऊं, देन इसके बाद हमारा भाई ई माइनर डी ए माइनर सी, कैसे मीठी सी वो गाली तेरी, ई माइनर डी सुनने को ए माइनर तैयार हूँ मैं सी, ठीक है, तो मीठी सी वो गाली तेरी ई माइनर डी माइनर सी, ठीक है, देन इसके बाद हमारा भाई तेरा यार हूँ मैं जी सी तेरा यार हूँ मैं। तो यार हमारा स्टैंजा तो एक्चुअली यहीं पे खत्म हो जाता है एंड दूसरा स्टैंजा शुरू होने से पहले एक छोटा सा ब्रिज का पार्ट आता है, देन उसके बाद हमारी वही स्टैंजा के अंदर भी हमारी सेम कॉर्ड्स चलेंगी जी माइनर सी डी का वही पैटर्न चल जाएगा, जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने, मतलब वही सारा हमारा सारा का सारा सेम चल जाएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं आने का। तो वो ब्रिज पार्ट अब मैं एक बार तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे वो करना है, वो फीमेल पार्ट हमें कैसे करना है। सजना तिरंग रंगाइया वे सगना दिया सहनाइया वे ढोल बजन के यार नचन के लख लख देओ बदैया वे, ठीक है, तो ई माइनर सॉरी ई मेजर ए मेजर ई मेजर ए मेजर यहाँ पर चलता है, ठीक है, सिर्फ इस पार्ट के लिए ई मेजर यहाँ पे यूज होता है इस गाने के अंदर और कहीं नहीं, देन इसके बाद हमारा आता है खुशियाँ तो बचदा सॉरी खुशियाँ तो नचदा मैं फिर जी डी, देन सेम हंजुआ तो बचदा मैं फिर
तो जी डी एंड जी डी हमारा यूज होएगा मेल पार्ट के अंदर, फीमेल पार्ट बस ई एंड ए में चलता है। देन इसके बाद यार हमारा स्टैंजा के अंदर क्या आता है, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था जी ई माइनस सी डी का पैटर्न लग रहा है, कैसे जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने, जी माइनर किसी नए के सी आ जाने से, ठीक है। तो यही हमारी सेम नेक्स्ट लाइन में लगेगी। देन यार इसके बाद हमारा छोटा सा फर्क आता है, एंड ये रीजन है मैं तुम्हें स्टैंजा टू भी करवा रहा हूँ, कि यहाँ पे हमारा पहले क्या था ई माइनर डी ए माइनर सी को यूज कर रहे थे हम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा फर्क है, हम यहाँ पे यूज करेंगे ई माइनर डी सी एंड डी, कैसे टूटा है क्यों जुड़ा है क्यों मेरी तरफ तू मुड़ा है क्यों हक नहीं तू ये कहे के यार अब हम ना रहे, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने कैसे करा, टूटा है क्यों जुड़ा है क्यों E माइनर टूटा है क्यों जुड़ा है तो, सॉरी लिरिक्स में इसका थोड़ा सा भूल रहा हूँ यार बीच बीच में, मेरी तरफ तू मुड़ा है क्यों, तो मेरी तरफ तू मुड़ा है क्यों यहाँ पर हमारा आएगा डी मेजर, हक नहीं तू ये कहे सी मेजर यार अब हम ना रहे, वापस डी मेजर। तो ई माइनर डी सी डी हमारी स्टैंजा टू के जो है पैटर्न में लगी, एंड जो स्टैंजा वन में था हमारा वो यूज हुआ था ई माइनर डी ए माइनर एंड सी, कैसे ठीक है, लेकिन इस बार आ गया टूटा है क्यों जुड़ा है क्यों, मतलब ई माइनर डी सी एंड डी का हमारा पैटर्न यूज हो गया। देन इसके बाद हमारी भाई एक तेरी यारी भाई साथ जन्म, यहाँ पर हमारा आता है, मतलब हमारे यार पहले स्टैंजा में क्या हुआ था, देखो तुम्हें क्लियर करूँ कि फर्स्ट स्टैंजा के अंदर ना जब तुम्हारी वो तुम्हारा वो पैटर्न खत्म हुआ, कौन सा जी माइनर सी डी का पैटर्न जो तुम्हारा खत्म हुआ, एक कॉमन पैटर्न जो दोनों स्टैंजा शेयर कर रहे हैं, उसमें उसके बाद क्या आ गया था ई माइनर डी ए माइनर सी, उसमें उसके जस्ट बाद आ गया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा जो आता है एक हाई पार्ट आता है, हल्का सा पार्ट आता है, अच्छा पार्ट आता है काफ़ी, ई माइनर डी सी डी में, एंड देन इसके बाद हमारा वो आता है ई माइनर डी ए माइनर सी, तो वो कैसे आया एक तेरी यारी काही साथो जन्म हकदार हूँ मैं, ए माइनर डी ए माइनर सी, देन तेरा यार हूँ मैं जी सी, हमारी वही सारी चलेगी। तो गाना यार हमारा बेसिकली इतना ही था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था बिकॉज यहाँ पे सेकंड पार्ट जो हमारा सेकंड स्टैंजा है उसको शुरू होने से पहले ना यार थोड़ा सा हमें जो धक्का देना पड़ता है किसका, थोड़ा सा फीमेल पार्ट आ जाता है ई मेजर ए मेजर लेकर, देन इसके बाद थोड़ा सा हंजुआ तो रुकदा में फिरा वाली लाइन आ जाती है जी एंड डी को लेकर, तो ई ए डी हमारे बीच में एक्स्ट्रा कॉर्ड्स ऐड हो जाती हैं जो कि मतलब सॉरी डी नहीं डी तो यूज़ हो रही है, ई एंड ए हमारी जो होती है एक्स्ट्रा कॉर्ड्स बीच में इस गाने के आ जाती हैं। देन इसके बाद हमारा स्टैंजा एंड अप जो होता है फर्स्ट स्टैंजा की तरह नहीं होता, सेकंड स्टैंजा में हमारा एक छोटा सा पार्ट और ऐड अप हो जाता है, तो इसलिए गाने के अंदर ना थोड़ी सी वेरिएशंस हैं जब हम सेकंड स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगर तुम इसको एक छोटा कवर बनाना चाहते हो, 1 मिनट 2 मिनट कवर बनाना चाहते हो, तो फर्स्ट स्टैंजा तक रखो, एकदम परफेक्ट रहेगा, तुम्हें भी ईजी रहेगा बजाने में, एंड काफ़ी सिंपल तरीके से खत्म भी हो जाएगा, ज़्यादा तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड बस आज के लेसन में इतना ही, मिलता हूँ तुमसे अपने नेक्स्ट लेसन में, कोई डाउट्स हो कुछ कंप्लेंट्स हो तो नीचे कमेंट्स में मेंशन कर देना, लेकिन मेंशन ज़रूर करना, चाहे वीडियो तुम्हें कैसी भी लगे, अच्छी लगे नॉर्मल लगे बेकार लगे कुछ भी लगे, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करा करो, एक फीडबैक मिलता है मेरे को, एक हेल्प मिलती है उससे। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे, मिलता हूँ तुमसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।